हेलो स्टूडेंट्स, प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा के डिफरेंस करने से पहले हम दोनों का थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं, जिससे आपको उनका डिफरेंस करने में आसानी होगी। फर्स्ट है प्राइमरी डाटा, डाटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स फॉर हिज ओन पर्पस, अपने काम के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इज कॉल्ड प्राइमरी डाटा। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप पहले सर्च कर रहे हो खुद के लिए कि हाँ मेरा एग्ज़ाम है, मैंने पढ़ना है, मैंने वीडियोस देख रहे हो, ऐसे वो क्या हो गया, आप खुद इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कहीं से लेके तो कहीं थोड़ी सी दूसरी जगह से लेके, दूसरे सोर्स से लेके कलेक्ट की, तो वो क्या हो गया, प्राइमरी डाटा पहली बार की। इट इज़ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, इट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द सोर्स ऑफ ओरिजिन, दैट्स वाई प्राइमरी डाटा इज़ ओरिजिनल। यहाँ तक पता चल गया, इससे एक डेफिनेशन करते हैं। डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डाटा। सिंपल है मीनिंग, जो रियल में इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए कलेक्ट किया जाता है उसे कहते हैं प्राइमरी डाटा। फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन, फर्स्ट टाइम किया ये सारा कुछ, तो सेकेंडरी क्या होएगा, इसके ओपोजिट होएगा। ओके, तो हम उसका भी मीनिंग करते हैं। सेकेंडरी डाटा are those which are already in existence and which have been collected for some other purpose than the answering of the question in hand. This is second hand data. तो जो पहले ही collect किया गया हो किस different question को answer करने के लिए, but आपसे आपको match कर रहा है तो आप उसकी help ले सकते हो, तो क्या हो गया, secondary data, पहले से ही available है, उसमें से आपको कुछ points मिले, आपने वो use किए। जैसे इस वीडियो में आपने सिर्फ सेकेंडरी डाटा की इन्फॉर्मेशन का पता करना था क्या होती है, तो ये पहले से ही डिफरेंट डिफरेंट, इसमें मेरा मेन मोटिव क्या है वीडियो का, प्राइमरी एंड सेकेंडरी का डिफरेंस, तो इसमें सारा कुछ बताया होएगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है जो आपको रियल में चाहिए, उससे थोड़ी कम इन्फॉर्मेशन भी हो सकती है, तो ये होता है सेकेंडरी डाटा। ओके, दिस इज सेकेंड हैंड डाटा ऑब्वियसली। फॉर एग्जाम्पल, डाटा रिलेटेड टू इंडियन रेलवे विच आर annually published by railway board would be secondary for any researcher. Okay, तो किसी ने रेलवे बोर्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है इंडियन रेलवे के बारे में, तो वो डाटा यूज़ कर सकता है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, डाटा कलेक्टेड बाय अदर पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, पहले ही किसी ने कलेक्ट किया हुआ है और आप उसको यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या, कौन सा डाटा हो गया, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी में आपने खुद सर्च की, अब जो भी आपको रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग आपने सारा प्रिपेयर किया। कि डिफरेंस देखते हैं, सबसे पहले मीनिंग ही है बेसिस ऑफ डिफरेंस। डाटा ओरिजिनली कलेक्टेड इन द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर नोन एज प्राइमरी डाटा। आपको पहले मीनिंग क्लियर हो गया तो ये भी ईजिली क्लियर हो जाएगा कि पहले किसके लिए कलेक्ट किया हो, अपने इन्वेस्टिगेशन के पर्पज़ के लिए। सेकेंडरी का देखें, डाटा कलेक्टेड बाई अदर पर्सन आर कॉल्ड सेकेंडरी डाटा, ये तो बहुत ईजी है। आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी डाटा आर ऑलवेज रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेस्टिगेटर। जैसे मैंने पहले ही बोला, जिस पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए है तो उसका ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड ही होएगा वो। अगर वीडियो है प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी के डिफरेंस की, तो उसमें उसके रिलेटेड ही है। अगर आपको सिर्फ प्राइमरी डाटा का मीनिंग जानना है, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन भी एक्सेप्ट, या फिर प्राइमरी डाटा को किसी डिफरेंट थिंग से कंपेयर करना है, तो आपको हाफ इन्फॉर्मेशन ही मिलेगी प्राइमरी डाटा के बारे में, थर्ड पार्टी की नहीं मिलेगी, जो इसका मेन मोटिव नहीं था। तो सेकेंडरी क्या हो गया, सेकेंडरी डेटा नीड टू बी एडजस्टेड टू सूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी इन हैंड। जो अभी जो हमारे पास स्टडी है उसमें कुछ एडजस्ट करने की ज़रूरत है, चेंजेस करने पड़ेंगे, क्योंकि उसमें डिफरेंस है थोड़ा सा, सेम नहीं आप कर सकते। पहली वाली स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव डिफरेंट था, आपका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, तो इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट है बेसिस ऑफ डिफरेंस, ओरिजिनल। तो क्या लगता है कौन सा ओरिजिनल होएगा, ऑब्वियसली प्राइमरी डाटा, इट इज़ ओरिजिनल बिकॉज दीज आर कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ देयर ओरिजिन। सेकेंडरी डाटा क्या है, आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, पहले से ही है अवेलेबल, देयरफॉर आर नॉट ओरिजिनल, सो ये ओरिजिनल नहीं है। तो आपको कोई असाइनमेंट मिली पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, आपने कहीं से देखा सेम, जैसे डिफरेंस की मिली आपने सेम देख लिख ली, तो ये सेकेंडरी। तो आपको अगर पहले से कुछ डिफरेंट टॉपिक दिया मैम ने, आपको अलग अलग सोर्सेज करके एक पूरी खुद फाइल या असाइनमेंट बनानी पड़ी, जो आपने असाइनमेंट बनाई वो प्राइमरी डाटा होएगी, आपका फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन वो होएगी।
थर्ड है कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। देखिए जो प्राइमरी डाटा है ना अलग अलग जगह जगह से कलेक्ट करना पड़ता है, तो वो थोड़ा कॉस्टलियर होता है। इट इज़ कॉस्टलियर बिकॉज इन टर्म्स ऑफ टाइम मनी एंड एफर्ट्स इन्वॉल्व, तो हमें खुद एफर्ट्स करने पड़ते हैं ना, बट स्कैंडी में तो सारा कुछ ईजिली अवेलेबल होता है। दिस इज सिंपली कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिश्ड और अनपब्लिश रिपोर्ट, सो दिस इज मच लेस एक्सपेंसिव। इतना एक्सपेंसिव नहीं होता, इतने एफर्ट्स भी नहीं लगते, टाइम भी नहीं लगता। तो लेकिन प्राइमरी खुद बनाओगे, खुद असाइनमेंट करोगे, उसमें तो टाइम लगता ही है ना। नेक्स्ट है बेसिस ऑफ कलेक्शन। प्राइमरी डाटा इज़ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन, ये तो पहले ही बता दिया। एंड स्कैंडिडेट क्या है? सेकेंड हैंड इन्फॉर्मेशन। लास्ट है यूजेस। प्राइमरी डाटा आर यूज एज रॉ मटीरियल, स्कैंडी डाटा आर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो पहले कुछ भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की वो सारी रॉ मटेरियल ऐसे कंसिडर की जाती है, पर स्कैंडी डाटा जो होता है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है, क्योंकि वो पहले पब्लिश, चाहे पब्लिश ना किया हो लेकिन उस पर पेयर तो किया था ना, तो वो सेकेंड हैंड डाटा कैसे यूज़ किया जाता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।